हेलो माय यूट्यूब फैमिली हाउ आर यू ऑल होप यू आर ऑल गुड मेरी दुआ है सबके लिए सबको अपने अपने घरों में खुश रखें आबाद रखें सबको इन दिस वीडियो आई विल टेल यू हाउ टू मेक फ्लॉलेस एंड क्लियर बेस जिसको आजकल डूए बेस भी कहा जा रहा है और बहुत ज्यादा लाइक की जा रही है क्योंकि विंटर सीजन है और विंटर सीजन में आपकी स्किन ग्लो करती हुई बहुत अच्छी लगती है एज यू कैन सी द शाइन ऑन माय फेस सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम वीडियो की तरफ चलते हैं बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल देन मेक श्योर सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन इजीली मिल जाए और आप वॉच कर सकें सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर आई एम यूजिंग द क्लेंग ऑफ ब्यूटी बैंक प्रोडक्ट बिकॉज एवरी टाइम यू विल स्टार्ट मेकअप योर फेस शुड बी नीट एंड क्लीन अगर आपके पास घर में क्लेंगे नहीं है देन यू कैन यूज फेस वॉश एज वेल या आप किसी अच्छे से सॉप से पहले अपना मुंह लें देन यू विल स्टार्ट मेकअप हेयर आई एम यूजिंग द फेस ऑयल ऑफ हिमानी ये मैं पहले भी अपनी एक वीडियो में यूज़ कर चुकी हूँ बिलीव मी this इज हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम मी इसे लगाने के बाद आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा ग्लो आता है और आपकी स्किन ब्राइटनप हो जाती है इसे लगाने के तरीका यह है कि आपने इसको अपने हैंड पे थोड़ी सी क्वांटिटी में लेके इसको प्रेसिंग वे में टैप टैप करके अपनी स्किन पर लगाना है और फाइव मिनट के लिए इसका मसाज करना है दैन आई एम यूजिंग हेयर एटीटूड प्राइमर अगर आपके पास ये प्राइमर नहीं है दैन यू कैन यूज़ एनी यू हैव मार्किट में बहुत सारे प्राइमर अवेलेबल हैं और बहुत अच्छी अच्छी रेंज में अवेलेबल हैं प्राइमर लगाने से आपके पोर्स जो हैं वो श्रिंक हो जाते हैं और आपकी बेस बहुत ही क्लियर एंड फाइन बनती है प्राइमर को आपने अपनी स्किन पे टैपिंग मोशन में लगाना है और उसको प्रेस करना है अपनी स्किन पे ताकि वो अच्छी तरह स्किन में पेनिट्रेट हो जाए स्पेशली ऑन योर टी जोन एरिया जहाँ बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है अब तो विंटर सीजन है स्वेटिंग नहीं होती लेकिन इफ यू आर अपलाइंग प्राइमर इन समर सीजन देन अपने टी जोन एरिया पर नोज अपने लिप्स के इर्द गिर्द बहुत अच्छे से प्राइमर अप्लाई करना है ताकि हमारी बेस क्रैक ना हो नाउ आई एम यूजिंग स्पोली ब्रश एंड हेल्प ऑफ दिस आई ब्रोज एंड देन आई एम यूजिंग हेयर द ब्रॉ ब्रो पैलेट हेयर और अब आपने एक ऐसे ही कट ब्रश के साथ जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ यू कैन सी इन द वीडियो आपने अपनी आईब्रो के मिड से स्टार्ट करना है और इस एंगल ब्रश की हेल्प से पीछे की तरफ अप्लाई करते जाना है एंड देन आई विल कम इन द स्टार्ट और जो प्रोडक्ट उस पर लगी होगी उसी के साथ मैं उसको पीछे की तरफ ब्लेंड करूंगी एस यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन माई आईज कभी भी आपने आईब्रो आप को स्टार्ट से फिल करना शुरू नहीं करना ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द मिड और इसको पीछे की तरफ ब्लेंड करना है एंड देन यू विल कम ऑन द फ्रंट इस तरह आपके आई की बहुत अच्छी सी फिलिंग हो जाएगी अब मैं एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से मेबीलिंग का एज रिवाइंड कंसीलर जिसका शेड है प्यर एंड क्लियर उससे अपने आईब्रोज को डिफाइन करूंगी एज यू कैन सी मैं एक आउटलाइन बना रही हूँ अब मैं उसी सेम एज रिवाइंड कंसीलर की हेल्प से अपने डार्क सर्कल हाइड करूँगी एंड सॉरी फॉर डैट गाइस मेरा कैमरा इशू है डेट्स वाई समाइम पिक्सल उसके ब्लर हो जाते हैं तो उसकी हेल्प से मैं अपने डार्क सर्कल्स को कम्प्लीटली हाइड कर लूँगी नाउ आई विल यूज़ अ डैम ब्यूटी ब्लैंडर और डैम ब्यूटी ब्लैंडर की मदद से मैं अपने इस कंसीलर को पूरा प्रॉपर ब्लेंड कर लूँगी ऊपर वाली साइड से भी और अंडर आई एरिया को भी ब्लेंडिंग कर लूँगी और टैपिंग मोशन में हमने ब्लेंडिंग करनी है गैस हमने उसको रगड़ रगड़ कर साफ नहीं करना यू विल जस्ट टैप इट विद द स्लोली एंड प्लाइटली हैंड्स क्योंकि अगर आप इसको रगड़ रगड़ कर ब्लेंड करेंगे तो आपकी बेस रिमूव हो जाएगी आपको जस्ट इसको टैपिंग मोशन में टैप टैप करके उसको ब्लेंड करना है नाउ हेयर आई एम यूजिंग माई कस्टमाइज बेस एज अ करेक्टर जिसको मैं डार्क एरियाज पर अप्लाई करूँगी स्पेशली ऑन माई अपर लिप्स एंड ऑन द डार्क सर्कल एरिया जहाँ से मेरी बेस हटना स्टार्ट होती है सबसे पहले यू कैन यूज हेयर कंसीलर ऑल्सो और अगर आपके पास कंसीलर नहीं है घर पर देन यू कैन यूज़ अ लाइटर शेड ऑफ़ योर टोन अगर जो भी आप फाउंडेशन अप्लाई कर रहे हैं उससे लाइटर शेड आप यूज़ कर सकते हैं अब अगेन एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसको टैपिंग पोजीशन में ब्लेंड करूँगी मेक श्योर गर्ल्स अगेन आई एम टेलिंग यू आपने उसको रगड़ना नहीं है क्योंकि वो आपकी बेस को हटा देगा आपको जस्ट उसको टैप टैप करके उसको ब्लेंड करना है नाउ आई एम यूजिंग हेर रिवाज यू के लिकुड हाई लाइटर अगर आपके पास रिवाज यू के का लिक्विड हाई लाइटर नहीं है देन यू कैन यूज़ एनी एलुमिनेटर और आईकॉनिक हाई लाइटर अब मैं इसको थोड़ी सी क्वान्टिटी में अपने हाथ में लूँगी एंड जो एरिया अब हम हाई लाइट करना चाहते हैं स्पेशली ऑन आवर चीक बॉन्स आवर नोस एंड मैं थोड़ा सा अपर लिप्स पर इस हाई लाइटर को अप्लाई करूंगी क्योंकि मुझे यहाँ इन इन पार्ट्स पर ज़्यादा ग्लो चाहिए अब एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसको ब्लेंड कर दूँगी स्किन में हेयर आई एम यूजिंग फाउंडेशन ऑफ रिवाज यू के एंड द नंबर ऑफ दिस फाउंडेशन इज टेन आप अपने कलर टोन के हिसाब से बेस यूज करेंगे एंड इफ़ यू हैव आ डार्क स्किन टोन और अ डार्क कॉम्प्लेक्शन देन यू विल यूज़ अ शेड क्लासिक एवरी और नेचुरल एवरी इन द रिवाज यू के

और इसकी हेल्प से मैं अगेन टैपिंग टेक्निक में मैं अच्छे से फाउंडेशन को ब्लेंड कर लूंगी अपने फेस पे एंड द पर्पज ऑफ द यूजिंग दिस टिपिंग ब्रश की अच्छे से ये फाउंडेशन को ब्लेंड कर देता है और आपकी फाउंडेशन बाद में क्रैक नहीं करती कहीं से लाइंस नहीं पड़ती और फाउंडेशन स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है एज यू कैन सी यहाँ मैंने रिवाज यूके की फुल कवरेज फाउंडेशन यूज की थी और उसने मेरे डार्क सर्कल्स को काफी अच्छे से हाइड कर दिया है अब मैं यहाँ पर मैक का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ और इसको एक ब्रश की हेल्प से अप्लाई करूँगी अपने फेस पर मैंने यहाँ पे पॉफ इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि मुझे फ़्लॉलेस और ग्लोइंग फाउंडेशन बनानी है इसलिए मैं इसको जस्ट हल्का हल्का टैप करूंगी कॉम्पैक्ट पाउडर को मैंने भर भर कर अप्लाई नहीं किया नाउ आई एम यूजिंग हेयर क्लीनिंग लूज पाउडर और इसको भी मैं जस्ट टैपिंग वे में हल्का सा अप्लाई करूँगी क्योंकि हमने अपनी बेस को स्ट्रेक करवाना है डैट्स वाई हम हल्का हल्का सा कॉम्पैक्ट पाउडर और लूज पाउडर अप्लाई करेंगे नाव हेयर आई एम डूइंग माई कंट्रोलिंग विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग ब्रश और मैं अपने कान के ऊपर से डाउन एरिया की तरफ हल्का हल्का सा ब्रश को लेके आऊँगी आऊंगी और अपनी प्रोडक्ट को डिपॉजिट करती जाऊंगी। अब हमने नाक के सीध में ऊपर आईब्रो से नीचे एक लाइन खींचनी है और उसको हल्का हल्का सा ब्लेंड करते जाना है एंड नाउ आई विल कम टू द जॉ एरिया आपने अपनी जॉ लाइन को परामनेंट करना है कंटोरिंग करने से आपके फीचर्स बहुत ज़्यादा हाईलाइट होते हैं शार्प दिखाई देते हैं जैसे आपका फेस कट थोड़ा हेल्दी हो चुबी फेस हो तो उसकी कंटोरिंग करके उसको इजीली शार्प दिखाया जाता है अब मैं एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से अब कंटोरिंग की हार्श लाइन जो शो हो रही है उसको ब्लेंड करूंगी गर्ल्स अब कंटोरिंग की हार्श लाइंस और उसका ट्रेंड नहीं रहा अब बहुत सिंपल सी लाइट सी ब्राउन्जिंग होती है और लाइट सी कंटोरिंग होती है जो जस्ट आपके फीचर्स को प्रोमिनेंट दिखाए या उसको फीचर्स को थोड़ा शार्प दिखाए आई विल यूज़ माई फिंगर्स फॉर ब्लैंडिंग अब मैं अपनी फिंगर्स की हेल्प से अपने नोज पे कंट्रोलिंग की ब्लैंडिंग करूँगी एंड हेयर आई एम यूजिंग ब्लूज पाउडर टू हाई लाइट दिस कंट्रोलिंग एरिया उसको शार्प दिखाने के लिए उस एरिया को मैं अब यहाँ पे वाइट पाउडर यूज़ कर रही हूँ लूज पाउडर यूज कर रही हूँ

मैं यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का ऑन यूज कर रही हूँ एंड द नंबर इज एट थर्टी वन ई प्योर लेस एंड पिंक एंड ना आई विल अप्लाइड ऑन माई चेक विद द हेल्प ऑफ फ्लफी ब्रश एज यू कैन सी ब्लशन को हम नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेंगे एंड वेन यू विल डू कंट्रोलिंग तो उसको आप ऊपर से नीचे की तरफ लेके आएंगे नाउ आई विल यूज दिस ब्लशन ऑन माई नोस अब मैं सिंगल सिल्वर हाइलाइटर लूँगी और अपनी फिंगर की हेल्प से अपने चीक बोन को हाईलाइट करूँगी मुझे हाइलाइटर बहुत पसंद है अपनी चीक्स पे लगाना अपने नोज़ पे लगाना हेयर आई एम नॉट यूजिंग द फैन ब्रश एज़ यू नो कि हाई लाइटर अप्लाई करने के लिए फ़ैन ब्रश यूज़ किया जाता है बट आई एम यूजिंग माई फिंगर क्योंकि इसकी हेल्प से आप बहुत अच्छा सा आई शेडो भी अप्लाई कर सकते हैं और अच्छी सी इम्प्लीमेंटेशन आपकी फिंगर से ही आती है हेयर आई एम यूजिंग द हाईलाइटर ऑन माई लिप्स एरिया जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा वैसे वैसे आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा ग्लो आता जाएगा और हम अपनी शाइनी एंड ग्लोई सी लुक अचीव कर लेंगे यहाँ मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से हाईलाइटर को प्रॉपरली अपने चीक बॉन्स अपने नोज़ पर स्प्रेड करूँगी सो गर्ल्स दिस इज आवर फाइनल लुक कैसी लगी आपको ये फ्लॉलेस एंड डुई फाउंडेशन एंड जो टेक्निक्स मैंने आपको बताई फ्लॉलेस फाउंडेशन अचीव करने के लिए टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा आपकी इस फाउंडेशन में मज़ीद ग्लो आता जाएगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो होप यू लाइक इट डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माई वीडियो इन योर फ्रेंड सर्कल थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़